हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गुंजन बुद्धि राजा, प्रैक्टिसिंग एज कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव कंसल्टेंट एट I7 लाजपत नगर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं केराटोकोनस। आप सबको मालूम होगा कि केराटोकोनस एक बहुत कॉमन बीमारी है कॉर्निया के अंदर, जिसके अंदर आपकी जो कॉर्निया होता है वो नॉर्मल कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ कॉर्निया जो हमारी आगे की लेयर होती है, इसके अंदर एक बल्ज आ जाता है जो एक कोन जैसा होता है। ठीक है, ये बल्ज जो है इसकी वजह से आपकी विजन बहुत कम हो जाती है, जो चश्मे के थ्रू इम्प्रूव नहीं होती। तो इस केस में हम लोग काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जब लेसिक कराने के लिए, तो वो बोलते हैं कि हमारी आँख में लेसिक क्यों नहीं हो सकता। देखिए, आपकी कॉर्निया बहुत वीक हो चुकी है। कॉर्निया जो एक आगे का स्ट्रक्चर है, ये कोलेजन से बनता है। कोलेजन एक तरीके से आपकी स्किन के अंदर, आपकी आई के अंदर ये एक अरेंजमेंट होता है, जो एक लेयर्स होती हैं जो आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो इसके अंदर ये स्ट्रेंथ कम होने की वजह से आपकी आँख की कॉर्निया वीक हो जाती है। वीकनेस की वजह से क्या होता है कि हमारी आँख की जो बल्ज है उसमें हमारी कॉर्निया की थिनिंग हो जाती है, मतलब पतलापन आ जाता है, साथ में बल्ज आ जाता है, और कई बार इतनी एडवांस स्टेजेस में चला जाता है कि आपकी जो कॉर्निया की विजन है वो इतनी ड्रॉप हो जाती है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। कभी कभी इसमें एक टर्म होता है, बोलते हैं हाई ड्रॉप्स। हाई ड्रॉप्स क्या होता है कि आपके कॉर्निया की लेयर्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, जिसकी आपकी विजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सेकंड, आपकी विजन के साथ साथ आपका जो ये कॉर्निया है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो सडनली आपको ऐसा लगता है कि मेरा विजन एकदम ड्रॉप हो गया। तो ये एक कंडीशन होती है जिससे बोलते हैं हाई ड्रॉप्स। अगर ऐसे ही केस हो चुका है कि हाई ड्रॉप्स हो गया, निग्लेक्ट हो चुका है, मतलब आपको पता ही नहीं पड़ा कि आपको केराटोकोनस था अर्ली स्टेजेस के अंदर, तो घबराने की बात नहीं है। आप जब भी जिस स्टेज पे डायग्नोज होते हैं, आपको हमेशा अपने एक कोई भी आई हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, ताकि वो गुड रेफरल सिस्टम बनाए, ताकि वो आपको अच्छी जगह रेफर कर दे और आपका ट्रीटमेंट सही तरीके से प्लान हो जाए। काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि इनके कॉजेस क्या होते हैं। तो पहले के टाइम पे जब हम लोग डिस्कस करते थे, कुछ स्टडीज़ बोलती थी कि ये जेनेटिक बीमारी ज़्यादा है, बट आजकल की जो लिटरेचर है, आजकल की जो स्टडीज़ है, रीसेंट जो स्टडीज़ बताती हैं, वो ये बोलती हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी नेचर भी होती है। एक साथ इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस करते हैं वो आई रबिंग है। मतलब आप आँख को रोज़ रबिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, स्ट्रेन की वजह से, या आपको कोई भी एलर्जीज होती हैं उसकी वजह से, या बच्चों के अंदर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कई बार वो चश्मा टाइम पे नहीं लगाते और आँख में वो थकावट की वजह से आँख को रबिंग करते रहते हैं। तो बच्चों में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि वो आँखों को रब तो नहीं कर रहे। और बच्चों में भी ये टेस्ट, एक पेंटाकैम करके एक टेस्ट होता है जिससे हम कराते हैं, ये रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे कॉर्निया का स्ट्रक्चर क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। क्योंकि जब तक केराटोकोनस हमें अपनी मशीनों पे दिखने लगता है, हमारी जो स्लिट लैम्प मशीन में दिखने लगता है, तब तक वो काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए वो बिगनिंग की स्टेजेस में हमसे मिस ना हो, हमें एक पेंटाकैम करके टेस्ट कराना पड़ता है, ताकि हम आपके जो स्कैन्स हैं उनसे पता लगा पाएँ कि आपके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया। साथ ही साथ ये जो पेंटाकैम्स होते हैं, ये हम उन पेशेंट्स में भी करते हैं जिनमें हाई सिलेंडर होता है। हाई सिलेंडर मतलब आपका जो तिरछा नंबर है वो 2.5 नंबर से ऊपर है, या हम केराटोमेट्री चेक करते हैं जिसमें हमारे K1 K2 वैल्यूज़ बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो हम सस्पिशन में रख के पेशेंट को पेंटाकैम टेस्ट करवाते हैं, ताकि हम उनको बिगनिंग की स्टेजेस में डायग्नोज कर ले और एडवांस स्टेज में ना जाए, ताकि एडवांस स्टेज में, क्योंकि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की तरफ हमें रुख लेना पड़ता है, तो हम ट्रांसप्लांट से बचने के लिए आपकी बिगनिंग की स्टेजेस में अगर टाइम पर कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग कर लें तो आपका कॉर्निया का स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये C3R क्या होता है, ये एक तरीके से एक स्ट्रेंथनिंग प्रोसीजर होता है हमारे कॉर्निया का, जिसके अंदर डाई, जो राइबोफ्लेविन डाई है, वो यूज़ की जाती है आपके कॉर्निया के ऊपर। हम 10-15 मिनट डालते हैं, उसके बाद हम लेज़र मशीन के द्वारा आपकी आँख के ऊपर लेज़र चलाते हैं। ये लेज़र आप देखेंगे, जैसे कि ये आँखों के ऊपर फोकस किया जाता है। जब हम दवाई डाल देते हैं तो आपके कॉर्निया एक अब्जॉर्प्शन कर लेती है इस दवाई को, और फिर ये लेज़र जो UV बेस्ड लेज़र है ये चलता है, और इससे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, जिससे आपकी कॉर्निया स्ट्रेंथन हो जाती है। इसमें कोई भी कट नहीं होता है और इसमें कोई भी टांका भी नहीं लगता, पर ये प्रोसीजर 20-30 मिनट्स लगता है टाइम करने में। सर्जरी ख़त्म होने के बाद हम एक VCL प्लेस करते हैं, जो हम 1 वीक के बाद उतारते हैं। तो हमें केराटोकोनस डायग्नोज करने के लिए क्या क्या टेस्ट यूज़ करने पड़ते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट
चेकअप होता है हमारा विजन। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा चश्मे के नंबर से विजन इम्प्रूव नहीं हो रहा। दिस इज वेरी कॉमन इन केराटोकोनस कि आप चश्मा लगाने के बावजूद आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे सकता, शैडो दिख सकती है, लाइट के आगे घेरे दिख सकते हैं, हैलोज दिख सकते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है केराटोकोनस में। तो इसलिए अगर आप चश्मे से प्रॉपर नहीं देख पा रहे, केराटोकोनस पेशेंट हुए हैं आप अगर, तो आपको डरने की बात नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम में ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले हम चश्मे का नंबर वेरीफाई जरूर करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट सिलिंड्रिकल नंबर और एक्सेस पता कर पाए। सेकेंडली हम फिर जब नॉर्मल स्लिट लैम्प चेकअप करते हैं, अगर आपकी बिगनिंग स्टेजेस हैं तो कई बार स्लिट लैम्प पे वो डायग्नोज नहीं होता, इसलिए हमें कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया पेंटाकैम। साथ में हम कभी कभी कॉर्बिस भी करते हैं टू डिटरमिन द बिगनिंग स्टेजेस। ये कॉर्बिस एक आपकी बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं कि आपका कॉर्निया में सस्पिशन है या नहीं है केराटोकोनस बनने का। और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं, जैसे कि आई ट्रेस कभी कभी हम बिगनिंग में यूज करते हैं टू डायग्नोज द अर्ली स्टेजेस ऑफ केराटोकोनस। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी पेशेंट्स केराटोकोनस के हमें मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हमें अपना चश्मा उतरवाना है। देखिए, चश्मा उतरवा सकते हैं लेकिन लेज़र आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। जो चश्मे उतारने वाले नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि लेसिक, स्माइल, सिल्क, ये आपके लिए डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता। इसके अंदर हम कुछ लेज़र ज़रूर करते हैं जो केराटोकोनस की आइज़ के लिए बने हुए सेफ प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे कि हम आपकी जो आप नॉर्मल आँख है वो ऐसे है, तो अगर आपका वो बल्ज आ चुका है तो हम उसको फ्लैटनिंग करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स करते हैं लेज़र वाले, जो केराटोकोनस की आइज़ के लिए बने प्रोसीजर है, जैसे कि टी कैट प्रोसीजर, PTK एंड ट्रैक। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नियल थिकनेस के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि आपका कोन का जो साइज़ है वो कितना है और कहाँ पे प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने लेज़र ट्रीटमेंट्स को कस्टमाइज करते हैं आपकी आइज़ के लिए। तो जब भी आप डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर पेंटाकैम के थ्रू आपके जो कोन है उसकी जो साइज़ है, एक्सटेंट है आपका, कहाँ पर वो कोन है और कितनी कॉर्नियल थिकनेस अलाउ करती है लेज़र करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, जैसे कि टी कैट करना है या PTK करना है या ट्रैक करना है। तो आज हम एक पेशेंट का टी कैट विद CXL प्लान कर रहे हैं। उनके पेंटाकैम की प्लानिंग यहाँ पर हमने देखी है, इसमें सारे पैरामीटर्स चेक करके हमने टी कैट प्लान किया है। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी हमने प्लानिंग बनाई हुई है कि हम इसमें किस तरह से इनकी लेज़र करेंगे ताकि कॉर्निया की जो शेप है हम थोड़ा उसको मॉडिफाई कर सकें। जैसे ये आप देख सकते हैं कोन, हमारे 3D पिक्चर पे ये कोन का मॉडल है। तो हम कुछ जहाँ पे इररेगुलरिटीज़ है यहाँ लेज़र चलाएंगे जिससे इनका कॉर्निया थोड़ा रेगुलर हो जाएगा। तो हम इन तीनों प्रोसीजर्स के साथ PTK, TCAT और ट्रैक के साथ हमेशा C3R कंबाइन करते हैं ताकि आपका कॉर्निया सेफ रहे और सिक्योर रहे, ताकि आगे वो पतला ना हो, प्रोग्रेस ना हो। इसलिए इन ट्रीटमेंट्स के साथ, जैसे कि TCAT के साथ C3R या CXL हम करते हैं, PTK के साथ भी CXL करते हैं, ट्रैक के साथ भी CXL करते हैं। तो इन तीनों प्रोसीजर्स के थ्रू आपके कॉर्निया को एक न्यू शेप मिलती है। बिगनिंग के 3 मंथ्स जो होते हैं, इसमें आपका आफ्टर द प्रोसीजर आपकी ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी विजन फ्लक्चुएट करे, आपके चश्मे का नंबर बदले, या आपको ऐसा लगे कि आपकी वर्सनिंग ऑफ विजन हो रही है शुरू के मंथ्स में। दिस इज़ वेरी नेचुरल टू बी देयर बिकॉज ये लेज़र जो है आपके कॉर्निया की शेप को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है अपनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अपनी शेप को बदलने का। तो इसलिए हमें इसमें डरना नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड प्रोसीजर जो हम करते हैं, इंटैक्स या फिर केयर्स। आजकल दो तरीके के ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं जिनके बहुत बड़े सिलेंडर्स होते हैं और आपकी कॉर्निया की थिकनेस अलाउ करती है। तो हम इंटैक्स वाले रिंग होते हैं जो आँख के अंदर प्लेस कर सकते हैं जिससे आपका जो सिलेंडर का नंबर है थोड़ा कम हो जाए, या हम केयर्स भी करते हैं जो कॉर्नियल सेगमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन कॉर्निया से बनाए जाते हैं, वो भी काफ़ी सेफ प्रोसीजर होते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारी कॉम्प्लिकेशन के रेट्स थोड़े कम होते हैं। तो ये जो डिसीजंस हैं, ये जब सर्जन आपके जो पेंटाकैम टेस्ट करते हैं उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो आपको अपना चेकअप प्रॉपर करा के कस्टमाइज कराने होते हैं अपने ट्रीटमेंट्स। थर्ड आता है सर्जिकल, जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स भी एक वन ऑफ द ऑप्शन होते हैं एडवांस केराटोकोनस के अंदर। सपोजिटली आपके कॉर्निया के अंदर पानी भर गया था, जाने की हाइड्रॉप्स हो गया, उसके बाद निशान पड़ गया और उसके बाद आपकी विजन एकदम ड्रॉप हो गई कि आपको बिल्कुल यहाँ तक भी नहीं नज़र आता, ऐसे केसेस के अंदर हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स करते हैं जिसमें हम एंटीरियर सेगमेंट OCT के द्वारा पता लगाते हैं कि आपके अंदर का जो निशान है वो कौन से लेयर तक चला गया, उसके अकॉर्डिंग हम पार्शियल थिकनेस या फुल थिकनेस ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं।
देखिए मेन होता है इसके अंदर, क्योंकि वो डोनेटेड कॉर्निया है, दैट इज़ नॉट योर पार्ट ऑफ बॉडी, वो आपकी बॉडी एक्सेप्टेंस के ऊपर होता है कि वो कैसा बिहेव करेगा आपकी आँख के अंदर ट्रांसप्लांट जाकर। मतलब जो पार्ट हम लगा रहे हैं किसी और का, वो ऐसा वाला पार्ट है, हम आपके जो कोन वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं। वन इज़ पार्शल थिकनेस, जिसमें हम बोलते हैं डैल्क। डैल्क हम करते हैं जिसमें हम कुछ पार्ट को आपके रिमूव कर देते हैं, जो कोन वाला पार्ट है, और वो वाला पार्ट हम किसी और का डोनेटेड पार्ट लगा देते हैं, ताकि आपकी विजन थोड़ी बेटर हो जाए। इसके अंदर हम सूचर्स अप्लाई करते हैं, मतलब कि टांके लगाते हैं, और वो टांके आपके साल के अंदर अंदर कटते हैं। दूसरा होता है फुल थिकनेस ट्रांसप्लांट। फुल थिकनेस ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, क्योंकि कुछ आइज़ के अंदर हमारी पॉसिबिलिटी नहीं होती है पार्शियल थिकनेस करने की, क्योंकि आपकी आँख की लेयर जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, तो उसमें हमें फुल कॉर्निया को बदलना पड़ता है किसी और के थ्रू। तो उसके अंदर थोड़ा रिजेक्शन के रेट्स हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट। बट जिन आइज़ के अंदर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दिस इज़ आवर लास्ट रिजर्व, जिसमें हम करते हैं फुल थिकनेस ट्रांसप्लांट, यानी कि पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। अब कुछ पेशेंट्स जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो बिग लेंसेज होते हैं, स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज बोलते हैं, या फिर हमारे पास RGP लेंसेज भी अवेलेबल होते हैं, जिनकी वजह से विजन इम्प्रूव हो जाता है। पेशेंट को सुबह कॉन्टैक्ट लेंस पहनना होता है और रात में उतारना होता है। ये कॉन्टैक्ट लेंसेज आपको नॉर्मल मार्केट में कमर्शियली नहीं मिलते हैं, और ये ग्लास मटेरियल के बने होते हैं, तो इनका जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, ये नॉर्मल जो आप हम सुनते हैं जिनकी कॉम्प्लिकेशंस, ये वैसे वाले लेंसेज नहीं होते, ये स्पेशली मेड कॉर्निया के लिए लेंसेज होते हैं, जो ग्लास मटेरियल है, जो ऑक्सीजन परमेबल मटेरियल है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी वेयर कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशन के बिना। तो आपको इन चीज़ों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमारे काफ़ी पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट हो रहे हैं केराटोकोनस के ओवर द ईयर्स, तो हम अपने पेशेंट्स को अपनी कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स देने के लिए प्रेफर करते हैं। इसलिए आप हमेशा हमें पहले दिखाएं, अपनी ट्रीटमेंट प्रॉपर प्लान कराएं, और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट्स के जो भी रिकवरी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।